हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानकारी जॉब यूट्यूब चैनल। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कोकराझार, असम स्टेट में आता है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है टीचर पोस्ट के लिए, और वैकेंसी अगर बात करें तो यहाँ पे 1613 यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। 1613 पोस्ट के लिए यहाँ पे टीचर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन स्टार्ट होने के, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग डेट दिया है। तो 16 फरवरी 2024 से यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 16 फरवरी से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करना है 2 मार्च 2024 से पहले। तो ये डेट इम्पोर्टेंट रहेगी, 2 मार्च 2024 से पहले आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो दो पोस्ट है यहाँ पे अलग अलग, ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे एज लिमिट दिया है, कम से कम 18 साल पूरे होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज। ओबीसी कैटेगरी 43 ईयर्स, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45 ईयर्स, और पीडब्ल्यू डी कैटेगरी यानी कि फिजिकली डिसेबल कैटेगरी के लिए 50 ईयर्स। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हैं वो ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट दिया है, तो इससे कम होनी चाहिए एज। दूसरा जो पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए कम से कम मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो कम से कम आपका एज 21 साल होना चाहिए, और बाकी जो नंबर से मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया है। तो ओपन कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 38 साल से कम होना चाहिए। एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 40 साल से कम होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी 41 ईयर से कम होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी 43 ईयर से कम होना चाहिए, और फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स 48 ईयर से कम होना चाहिए। अगर बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1472 यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है, वैकेंसीज यहाँ पे है। इसके लिए बीए बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएट टीचर इसके लिए 141 वैकेंसीज है, इसमें भी बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है, जो भी एजुकेशन सेक्टर में जिनका भी एजुकेशन हुआ है तो बीएड एमएड जैसे क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पे ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एक अच्छा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, बड़ा नंबर है। डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप फर्स्ट लिंक रेफर कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फर्स्ट लिंक है, ग्रेजुएट टीचर के लिए सेकंड लिंक यहाँ पे दिया है, और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सभी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।